प्यारे बच्चों नमस्कार एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है हम एस एस के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे तेईस जनवरी दो हज़ार तेईस सेकेंड शिफ्ट के हमने दस क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे क्वेश्चन नंबर ग्यारह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर ग्यारह एक थैले में पचास किलोग्राम दाल है तीन दालें हैं क्या है पचास किलोग्राम दाल है दालें भी कितनी हैं तीन ए बी और सी इसमें चार अनुपात तीन अनुपात तीन के अनुपात में मिश्रित है भाई देखो तीन दालें हैं ए बी और सी तीन प्रकार की और उनका रेशियो क्या है देखो चार अनुपात तीन अनुपात तीन इस रेशियो में है भाई ये चार यूनिट है तो ये तीन है और ये भी तीन है तो देखो टोटल भी तो निकाल सकते हैं हम टोटल कितनी हो जाएगी सभी को जोड़ दो ये हैं तो थैले में ही चार तीन सात और तीन दस टोटल हो गई दस यूनिट ठीक है ये क्वेश्चन में दे रखा है आगे क्या बताया गया है तो देखो दालों ए बी और सी की कीमत क्रमशः अस्सी रुपये प्रति किलोग्राम साठ रुपये प्रति किलोग्राम और अस्सी रुपये प्रति किलोग्राम है दालों के एक किलोग्राम मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा यह पूछा गया है भी देखो पहले का मूल्य क्या है अस्सी चार किलोग्राम दाल मान लिया चार यूनिट दाल है चार को हमने अस्सी से गुणा कर दिया इसका मूल्य आ जाएगा तीन का क्या है मूल्य साठ तो हमने साठ से गुणा कर दिया तो इसका मूल्य आ जाएगा तीन यूनिट का फिर कितना है अस्सी तो इसको अस्सी से गुणा कर दें ठीक है टोटल हमने दस मान लिया औसत मूल्य निकालना है तो पचास करने की जरूरत नहीं है आप सोचो इसको पचास करें इसको पाँच गुना तो ये भी पाँच गुना ये भी पाँच गुना ये भी पाँच गुना इससे हमारा समय वेस्ट जाएगा ऐसे ही ये करने की ज़रूरत ही नहीं है टोटल का मिश्रण क्या पूछा है टोटल मिश्रण का औसत मूल्य ये पूछा है नहीं एक किलोग्राम का मान लो या कुल मिश्रण का औसत मूल्य ये मान लो टोटल का मान लिया हमने कितना है एक्स तो एक्स की वैल्यू निकाल दो पचास करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर ठीक है तो देखो अब कैंसिल करेंगे तो सभी में एक साथ करना होगा इधर से जीरो कैंसिल करोगे तो जीरो ये भी जाएगी साथ में ये भी ये भी क्योंकि बीच में प्लस का साइन है इनके तीनों में एक साथ होगा ठीक है अब कैंसिल होगा नहीं क्योंकि इधर तो क्या बचा खाली एक्स और एक्स क्या था मिश्रण का औसत मूल्य तो चार गुना आठ बत्तीस छह गुना तीन था, अट्ठारह और आठ गुना तीन चौबीस जोड़ दो चार और आठ बारह और दो चौदह एक दो और एक तीन और तीन छः और एक सात तो मिश्रण का मूल्य क्या हो जाएगा औसत मूल्य चौहत्तर रुपये प्रति किलोग्राम ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बारह यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर बीस प्रतिशत की छूट देना चाहता है तो उसको इसे चार सौ रुपये में बेचना होगा यदि वह इसे पाँच सौ बीस रुपये में बेचना चाहता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए मिस्िपी और एक एस पी सी पी के बारे बारे में क्या बताया है बीस प्रतिशत की छूट देना चाहता है तो इसको चार सौ रुपये में बेचना होगा कोस्ट प्राइस अपने आप में सौ प्रतिशत होता है और उस पर बीस प्रतिशत छूट दे देंगे बीस प्रतिशत छूट देंगे तो उसकी वैल्यू बीस प्रतिशत कम हो जाएगी यानी अस्सी प्रतिशत और अस्सी प्रतिशत की वैल्यू क्या है चार सौ एक प्रतिशत की वैल्यू निकालेंगे तो चार सौ को अस्सी से भाग दे दो तो. और सीपी अपने आप में कितना था सौ प्रतिशत सौ की वैल्यू निकाल दी थी गुणा में सौ अस्सी से कैंसिल करेंगे पाँच बार में सौ गुणा पाँच पाँच सौ यानी पाँच सौ उसका कॉस्ट प्राइस है और बेचना अब कितने में उसको पाँच सौ बीस में अब सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई ठीक है पाँच सौ की वस्तु खरीदी पाँच सौ बीस में बेचना चाहता है तो लाभ कितना होगा बीस का लाभ कॉस्ट प्राइस भी होता है प्रतिशत के लिए गुणा में सौ दो ज़ीरो से दो ज़ीरो पाँच से चार तो कितना लाभ होगा चार प्रतिशत ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन मनीष एक कार्य को सात दिन में कर सकता है जबकि अनिल समान कार्य को छह दिन में कर सकता है पूरे काम के लिए मजदूरी तीन सौ नब्बे रुपये है यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो मनीष के आय ज्ञात करें एक कौन है मनीष और एक अनिल मनीष और अनिल भाई समय का अनुपात दे रखा टाइम का रेशियो हो जाएगा ना तो मनीष तो करता है उस कार्य को सात दिन में और अनिल छः दिन में ये इनका लिए गए समय का अनुपात है इनकी एफिशिएंसी का अनुपात क्या होता है समय के अनुपात के विपरीत क्योंकि सेम कार्य ये है ये छः और ये सात हो जाएगा और जो मजदूरी होती है ना हमेशा वो एफिशिएंसी के रेशियो में बटती है यानी कार्य क्षमता के अनुपात में जो काम कम करेगा उसको कम मिलेगी ज़्यादा करेगा उसको ज़्यादा मिलेगी एफिशिएंसी के अनुपात में बटती है कार्य क्षमता के अनुपात में तो अब देखो मजदूरी कुल है कितनी रुपये तीन सौ नब्बे ठीक है तो मजदूरी भी इसी अनुपात में बटेगी अलग से लिखना चाहो तो लिख लोज इसी अनुपात में बटेगी छः अनुपात सात में छः और सात तेरह रा की वैल्यू तीन सौ रुपए की वैल्यू निकालेंगे तेरा से भाग कर दो पूछा क्या है मनीष की आई तो मनीष की कितनी है छे। तो छे से से कर दो तेरा से तीन और तीस। तीस गुना एक सौ अस्सी तो मनीष को कितने रुपए मिलेंगे एक सौ अस्सी रुपए ऑप्शन तो सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखो भाई वह छोटी से छोटी संख्या जो बारह पंद्रह अट्ठारह और सत्ताईस से पूर्णतः विभाज्य हो तो क्या होगा इसका एलसीएम निकाल दो भाई दूसरा तरीका क्या हो सकता है तो देखो भाई इसमें क्या है नौ दो भाई जो अठारह से संख्या भाग जाएगी वो नौ से तो जाएगी इसमें भी है ना नौ ये तो सत्ताईस है तो नौ गुणा तीन नौ की पावर तीन की पावर तीन है ये तो भाई देखो जो संख्या होगी जो 18 और 27 से भाग जाएगी तो नौ से भी तो जाएगी तो ये देख लो नौ से भाग जाने जाने वाली संख्याएं कितनी हैं फिर आगे देखेंगे जो भी है तो देखो छः और आठ चौदह ये भी नहीं जाएगी आठ पाँच तेरह ये भी नहीं जाएगी सात और चार ग्यारह ये भी नहीं जाएगी एक ही ऑप्शन है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा निकालने की जरूरत ही नहीं है ये नौ से जाने वाले दो मिल जाते तो इसमें क्या था पाँच ये देखते इसमें क्या था चार चार से देख लेते ठीक है तो ऑप्शन सही कर देंगे इसका लेने लेनी जरूरत नहीं है वैसे करते तो इन सभी का क्या आएगा अल्सियम निकालना होता हमें ठीक है तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन उस लंबवर्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक हजार बारह वर्ग सेंटीमीटर और उसके आधार की परिधि बाईस सेंटीमीटर है पाई बराबर बाईस का प्रयोग करें देखो ऐसा बिल ये होता बिल क्या बता रखा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता रखा है और परिधि बता रखी है परिधि के आधार की होगी आधार में क्या होता है वृत्त टू पाई आर टू पाई आर की वैल्यू कितनी है बाईस तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे हम ठीक है भाई टू पाई आर पाई का मान लो इसका सात और आर कितनी है बाईस यहां से आर की वैल्यू निकाल लो बाईस से बाईस को कैंसिल कर दो आर बराबर क्या हो जाएगा सात उस साइड जाएगा तो गुणा में और दो भाग में सात बटा दो ठीक है अब ये कहता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक बात समझने की है, देखो आपको समझाता हूँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का टू पाई आर एच ठीक है और आयतन क्या होता है पाई आर सुखेर एच दे क्या रखा है क्वेश्चन को हम ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाएंगे इसलिए यहां समझ नहीं जुड़ते है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है एक हजार बारह ठीक है अब देखो भाई पाई इसमें भी है पाई इसमें भी आर इसमें भी है इसमें स्क्वेयर है इसमें एच इसमें भी एच इसमें भी है, इस 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 है। यानी इसको दो को हटा दूँ मैं ठीक है तो क्या हो जाएगा पाई आर एच ये है पाई आर एच दो को हटा दो एक मिनट भाई ठीक है दो को हटा दो हटाने का मतलब इसको दो से भाग दे दो दो इसका बटामे कर दिया तो दो से दो कैंसिल हो हट गया अब क्या बच गए पाई आर एच और ये क्या पाई आर स्क्केयर एच यानी इसमें एक आर ज़्यादा है तो इसे आर से गुणा कर दो सात बटा दो आर की वैल्यू सात बटा दो आ जाएगा आंसर ठीक है दो गुना दो चार से कैंसिल कर दो इसको चार दुनिया आठ दो चार पंजे बीस एक चारतीय बारह सात तीय इक्कीस दो पैंतीस और दो सैंतीस तीन चौदह और तीन सत्रह एक हजार सात सौ इकहत्तर घन सेंटीमीटर होगा आयतन अब ठीक है ध्यान रखना स्क्वायर मत लगा देना कई बार गलती यहां भी हो जाती है एक हजार सात सौ इकहत्तर घन सेंटीमीटर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखो जयशंकर ने अपनी अपने, अपने नियोक्ता से आठ प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि उधार ली जो वार्षिक संयोजित होता है उसे ऋण समाप्त करने के लिए दो वर्ष की अवधि के बाद अट्ठावन हज़ार रुपये का भुगतान करना होगा उसने कितना रुपया उधार लिया हमारे पास रेट है समय भी है दो वर्ष और मिश्रधन भी है धनराशि निकालनी है रेट देखो कितनी है आठ प्रतिशत आठ प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो आठ बटा सौ चार से कैंसिल करेंगे दो बटा पच्चीस यानी पच्चीस से कितनी हो जाती है सत्ताईस पच्चीस से सत्ताईस समय कितना है दो वर्ष उसका स्क्वायर कर दो कितना हो जाए सत्ताईस का स्क्वायर सात सौ उनतीस और पच्चीस का स्क्वेयर छः सौ पच्चीस यानी दो वर्ष में छः सौ पच्चीस से सात सौ उनतीस हो जाएगी ठीक है सात सौ उनतीस क्या है मिश्रधन धन लेकिन देख कितना रखा इसमें है इसमें अट्ठावन हज़ार तीन सौ बीस सात सौ उनतीस की वैल्यू देखिए अट्ठावन हजार तीन सौ बीस एक की वैल्यू निकालेंगे और अट्ठावन हज़ार तीन सौ बीस को सात सौ उनतीस से भाग दे देंगे एक यूनिट की वैल्यू निकालना है प्रिंसिपल यानी मूलधन छह तो गुणा में छह इसको सोल्व कर देंगे अब नौ से कैंसिल कर लो आठ पांच तेरह तीन सोलह दो अठारह ये नौ की क्यूब है या जाए इक्यासी नौ से करेंगे तो नौ चुके चौवन चार नौ चुके छत्तीस सात नौ अठे बहत्तर ठीक है अब देखो 80 को 8 से गुणा करते हैं 640 सौ चालीस एक को 8 से करेंगे 8 यानी छः सौ अड़तालीस हो जाएगा ना तो इसको 8 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा ये और साथ में ज़ीरो ज़ीरो लगा दो इनकी गुणा कर दो भाई छः और अस्सी एक जीरो है तो जीरो पहले लगा लो फिर आठ से आठ पाँच चालीस चार सोलह और चार बीस दो अड़तालीस और दो पचास इंदिरासी कितनी थी वो पचास हज़ार ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखो भाई निम्नलिखित में, में से कौन सा युगम सह असहभाजी संख्याओं को निरूपित करता है यानी को प्राइम नंबर भाई को प्राइम का मतलब क्या होता है दो संख्याएं हो कोई भी उनमें एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन न हो यानी कोई फैक्टर न हो कॉमन फैक्टर एक के अलावा तो देखो दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो तो देखो एक तो हो एक तो हो सभी में होता संख्याओं में पाँच और एक छः ये पाँच से जाती है दोनों भाग ये पाँच से जाएगी ये पाँच से जाएगी तो ये नहीं हो सकती पाँच और एक छः चार एक पाँच और एक छः ये तीन से जाएंगे दोनों तीन कॉमन है ये भी नहीं हो सकती एक और पाँच छः और ये भी छः तीन से भाग जाएंगे दोनों ये भी नहीं हो सकती इसमें देखो इसका फैक्टर करेंगे तो पाँच पंद्रह का तीन और पाँच ही होता है चौरान में नहीं तो तीन से भाग जाता नहीं पांच से जाता तो ये कि आपस में कोप्राइम इसमें एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एटीन देखो छह सौ पंद्रह सिक्कों में एक रुपया पचास पैसे और पच्चीस पैसे के सिक्के शामिल हैं टोटल कितने सिक्के हैं 615। उसमें एक रुपए का सिक्का है 50 पैसे के भी और 25 पैसे के भी सिक्के शामिल हैं। उनके अनुपात है। है। नहीं है रखना। 50 पैसे के के संख्या ज्ञात कीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो देखो कैसे करेंगे मूल्य का अनुपात क्या है तीन पांच और सात तीन पांच और ये मूल्य का अनुपात है भाई ठीक है जो रुपयों का मूल्य है टोटल उनका अनुपात है मूल्य के अनुपात को मैं जो उनकी उनका एक सिक्के का मूल्य है उससे भाग दे दूं एक सिक्के से भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा सिक्कों की संख्या आ जाएगी आ जाएगी ना भाई कुल मूल्य इसका तीन यूनिट है किसका पहले क्या एक रुपया है, है सौ पैसे पैसे ध्यान रखना ये पचास पैसे और ये पच्चीस पैसे मैं इससे भाग दे दूँ इसको सौ पैसे से भाग दे दूँ तो सिक्कों की संख्या आ जाएगी कुल मूल्य ये है और सौ पैसे का है सौ से मैं भाग दे दूँ इसको तो क्या आ जाएगी सिक्कों की संख्या इसको पचास से भाग दे दूँ तो सिक्कों की संख्या आ जाएगी इसको पच्चीस से भाग दे दो सिक्कों की संख्या आ जाएगी सिक्कों की संख्या हमारे पास कुल सिक्कों की संख्या है तो क्या करेंगे सभी को जोड़ दो ठीक है जोड़ेंगे पाँच से कैंसिल कर दो इसको एक बटा दस हो जाएगा यहीं पे ही अब क्या करें इस कैल्शियम ले लो अल्सीम कितना आएगा सौ दस और पच्चीस का अल्सियम आ जाएगा सौ सौ से भाग देंगे एक आ जाएगा तीन प्लस इससे आएगा दस प्लस पच्चीस से भाग देंगे चार चार गुना सात अट्ठाइस कितना आया टोटल देखो अट्ठाईस और दस अड़तीस और, और तीन इकतालीस बटा सौ कुल सिक्के आ गई लेकिन कुल सिक्के हैं कितने छः सौ पंद्रह यानी इकतालीस बटा सौ यूनिट की वैल्यू कितनी है छः सौ पंद्रह इकतालीस बटा सौ यूनिट की वैल्यू छः सौ पंद्रह एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा छः सौ पंद्रह को इकतालीस बटा सौ से भाग दे दो सौ पर चला जाएगा एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी निकालना क्या है पचास पैसे के सिक्कों की संख्या तो पचास पैसे के सिक्के हमने निकाले, निकाले थे कितने हैं एक बटा दस निकाले ना एक बटा दस सिक्के कुल राशि ये थी पाँच के सिक्कों की और मूल्य कितना था पचास पैसे तो पाँच को पचास से भाग दे एक बटा दस आया था तो यहाँ के गुणा में एक बटा दस कर दो सिक्कों की संख्या आ जाएगी जीरो से एक ज़ीरो को हटा दो इकतालीस से कैंसिल करेंगे तो देखो प्राइम नंबर है पूरा पूरा ही भाग जाएगा किससे जाएगा लास्ट में का एक अंक पाँच आना चाहिए पाँच से करेंगे तो संख्या दो सौ है फिर पाँच के बाद पंद्रह से करके देखो पंद्रह एकम पंद्रह एक साठ और एक इकसठ पंद्रह से पूरा पूरा चला जाएगा गुना दस एक सौ पचास तो पचास पैसे के सिक्के कितने थे एक सौ पचास पूछा जाए सौ के तो तीन बटा सो तीन बटा सौ निकाल दो तो इसका पच्चीस 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 के पूछा जाए तो सात सात लिख दो ठीक है तो हमारा आंसर क्या जाएगा? एक सौ पचास ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उसके प्रत्येक घंटे की मजदूरी 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई मजदूरी 20 प्रतिशत बढ़ गई प्रति घंटे और समय कितना बढ़ गया रोजाना काम करने का प्रतिशत उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी वे जो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला लगाते हैं सेम उसी से कर दो पच्चीस बीस पच्चीस प्लस बीस प्लस पच्चीस गुणा बीस सौ देखो 25 से चार बार में चार से पाँच 25 और 20 पैंतालीस प्लस यहाँ कितना हो जाएगा पाँच पैंतालीस और पाँच पचास पचास प्रतिशत उसकी इनकम बढ़ जाएगी प्रतिदिन की ठीक है दूसरा तरीका क्या हो सकता है देखो तो देखो पच्चीस प्रतिशत पच्चीस प्रतिशत यहाँ लिख लो दूसरा तरीका यह हो जाएगा एक तो पच्चीस हाँ प्रतिशत भिन्न में बदलेंगे तो इसको एक बटा चार और दूसरा क्या बीस प्रतिशत भिन्न में भी बदलेंगे तो एक बटा पाँच टाइम कितना बढ़ता है पच्चीस प्रतिशत समय यानी पच्चीस प्रतिशत का मतलब एक बटा चार चार से कितना हो गया एक बढ़ गया यानी पहले चार था अब समय पाँच ठीक है और प्रति घंटे की मजदूरी देखो यानी वेजिज कितनी बढ़ी एक बटा पाँच यानी पांच पे एक बढ़ गई पहले पांच थी तो अब कितनी हो गई छः देखो चार गुना पाँच भाई रोजाना चार घंटे काम करता था और एक घंटे के पाँच रुपये मिलते थे कितने मिलते थे बीस अब प्रतिदिन पाँच घंटे काम करता है और एक घंटे के छः रुपये मिलते हैं तो पाँच गुना छः तीस रुपये मजदूरी हो गई पहले बीस थी मजदूरी अब कितनी हो गई तीस कितनी बढ़ गई दस किस पे बीस पे प्रतिशत के लिए गुणा में सौ बीस से पाँच बार में दस गुना पाँच पचास प्रतिशत दूसरा तरीका ये हो जाएगा भाई ठीक है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर बीस देखो एक पंखे का अंकित मूल्य एक हजार आठ सौ पचास है और दुकानदार इस पर नौ पॉइंट पांच प्रतिशत की छूट देता है पंखे का विक्रय मूल्य है अंकित मूल्य कितना है एक हजार आठ सौ पचास अपने आप में सौ प्रतिशत है और नौ पॉइंट पांच प्रतिशत डिस्काउंट यानी छूट दे देगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सौ में से नौ पॉइंट पांच घटा दो नब्बे पॉइंट पाँच प्रतिशत जिसका नब्बे पॉइंट पाँच प्रतिशत निकाल दूं पॉइंट पाँच प्रतिशत पॉइंट हटाएंगे बटा में दस और प्रतिशत हटाएंगे बटा में सौ सो। इसको सोल्व कर दो हमारा आंसर आ जाएगा एक ज़ीरो से एक जीरो हटा दो अब एक सौ पिचासी और नौ सौ पाँच की गुणा कर दो और दो अंकों के बाद दस मलो लगा देना एकाएक अंक देखो क्या आएगा गुणा में पाँच गुणा पाँच पच्चीस एकाएक अंक आएगा पाँच तो ऑप्शन में देख लो भाई पाँच कितने में है इसमें भी नहीं है पाँच क्योंकि यहाँ पे नहीं है दो पहला अंक पाँच ये वाला पाँच आना चाहिए तो ये नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन एक में ही है पाँच दो में होता तो हम करके देख लेते गुणा भाई ठीक है तो इस शिफ्ट के हमने बीस क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं मिलते हैं अगली क्लास में धन्यवाद